गुड मॉर्निंग क्लास 5, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आई एम योर साइंस टीचर कशफ हैदर एंड टुडे आई एम हियर विद योर नेक्स्ट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 5 हियर आई एम हैविंग योर बुक दैट इज़ न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस फॉर क्लास 5। इट्स थर्ड एडिशन बाय निकोलस हॉर्सबर्ग। We are on our unit number 1, that is the brain and nerves. So hurry up and open your book, page number 4. Page number 4 open karenge hum. This is your book, page number 4, and here we are having the topic of nerves. We have already discussed the brain, its function and the parts of brain and their role in controlling our body in our previous video. So today we will discuss nerves, its types and its function in our body. First of all, let me give you the concept of nerves and its types. Okay, be attentive. Nerves की example आप इस तरह ले लें जिस तरह आपके घर में wires होती हैं। Wires एक corner से लेके दूसरे corner तक या घर में main switch से लेके हर electric appliance तक इस तरह electricity पहुंचाती हैं, इसी तरह brain से nerves हमारे body के हर part को कनेक्ट करती हैं। लाइक बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन, आपकी फिंगर के टिप से लेके ब्रेन तक का मैसेज जो है वो कौन लेके जाती हैं? नर्व्स। टेलीफोन वायर्स की एग्जांपल दी जाती है नर्व्स के लिए, कि जिस तरह टेलीफोन की वायर्स एक एरिया से दूसरे एरिया तक आपके वॉइस मैसेज ट्रांसमिट करती है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है, इसी तरह नर्व्स बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मैसेज को ट्रांसमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। नर्व्स को उर्दू में क्या कहते हैं? रगें। नर्व्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप इज सेंसरी नर्व्स, द अदर टाइप इज मोटर नर्व्स। सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी नर्व्स की। सेंसरी नर्व कहाँ पाई जाती हैं? हमारे फाइव सेंसेस की जो फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी टिप्स पे, और वहाँ से कनेक्ट करती हैं उन नर्व, उन बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं ये नर्व्स कहाँ? ब्रेन के साथ। सेंसरी नर्व्स आर द नर्व्स दैट कैरी मैसेज टूवर्ड्स द ब्रेन। कहाँ लेके जा रही है मैसेज को? टूवर्ड्स द ब्रेन। मैं रफली यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और दूसरी टाइप क्या है? मोटर नर्व्स की। जब मैसेज ब्रेन तक पहुँच गया तो ब्रेन तक क्या हुआ मैसेज, इंटरप्रेट करता है आपका ब्रेन कि इसके क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, और फिर जो एक्शन लेना होता है, जो आपने रिस्पॉन्स है, आपकी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्ड करना है, वो मैसेज ब्रेन से लेके दोबारा उस ऑर्गन तक जिसने मूव करना है, जिसने रिस्पॉन्ड करना है, उस तक लेके जाती हैं। तो मोटर नर्व्स क्या करती हैं? कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टुवर्ड्स अदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? फ्रॉम ब्रेन दे मोटर नर्व्स कैरी मैसेज और सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। नर्व्स की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास? टू टाइप्स हैं। फर्स्टली सेंसरी नर्व्स एंड देन मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाती हैं और मोटर नर्व्स ब्रेन से मैसेज लेके आती हैं बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ। अब एक और बात कि हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत ज़्यादा नर्व्स हैं, तो एट अ टाइम ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड किस तरह से होती हैं? होता कुछ इस तरह से है कि आपके हेड और नेक रीजन के अंदर, सर और गर्दन के साथ जो नर्व्स होती हैं वो डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि ब्रेन की क्लोजली रीजन में वो लोकेटेड हैं, ब्रेन से नज़दीक हैं, तो वो डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। लेकिन बॉडी के अदर पार्ट्स, जो बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, वहाँ से जो नर्व्स आ रही हैं वो किस तरह कनेक्टेड हैं ब्रेन के साथ? आइदर डायरेक्टली, और वो क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड की राइट और लेफ्ट साइड पे या किसी भी साइड से स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं, और फिर वो इन टर्न कहाँ कनेक्टेड है? हमारे ब्रेन के साथ। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से नीचे वाली साइड पे, जहाँ हमारी बैक बोन स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे हमारा एक ऑर्गन है जो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं बाकी बॉडी पार्ट से आने वाली सारी नर्व्स। इस तरह ये नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये मिल के हमारा नर्वस सिस्टम कंपाइल करते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक न्यू टर्मिनोलॉजी क्या थी? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? अब हम वो उसको डिस्कस करते हैं।
रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक रिस्पांस या एडवांस रिस्पांस इन केस ऑफ इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल, आप कहीं जा रहे हैं, एकदम से आपके पाँव में कोई कांटा चुभता है या कोई पिन चुभ जाती है, तो फौरन से आप अपना पाँव पीछे की तरफ खींचते हैं, या कोई चीज़ गर्म होती है, आप किसी गर्म चीज़ को टच कर देते हैं तो फौरन से वापस अपना हाथ खींचते हैं, कुछ गर्म लगता है तो। ऐसा क्यों होता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी जो हमारी बॉडी एकदम से रिस्पॉन्ड करती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। एट वंस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो होता है हमारी बॉडी का, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन एकदम से फौरी सूरत हाल के अंदर फौरी एक्शन जो लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? बॉडी का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के साथ जो हमारे बॉडी का पार्ट लोकेटेड है, क्या है वो? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड फौरन से रिस्पॉन्ड करता है। हमारी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो होती हैं, वो फौरन से मैसेज लेती हैं चेंज का। वो मैसेज एट वंस सिग्नल कहाँ दिए जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड मोटर नर्व्स के थ्रू उस बॉडी पार्ट को मैसेज भेजता है कि आपने आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। जैसे कि अगर आपको कांटा चुभा, तो आपके पाँव से सेंसरी नर्व एंडिंग्स ने वो चुभने की फीलिंग ली, उस सिग्नल को ट्रांसमिट किया स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज किधर वापस गया? आपकी बॉडी में, दोबारा आपके फीट की तरफ आया कि आपने अपने पाँव को पीछे वापस खींच लेना है। पुल योर फुट अवे फ्रॉम दैट पिन और दैट थॉर्न। ओके, ये था रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, और ये सारा प्रोसेस जो होता है, ये विद इन अ सेकेंड या एक सेकेंड से भी कम टाइम के अंदर पूरा हो जाता है। ठीक है, और ये सब क्या है? अल्लाह ताला की कुदरत है कि ये काम विद इन सेकेंड्स हो जाता है, और इसके रिस्पॉन्ड करने में, ये काम पूरा होने में कोई भी एरर नहीं आता। ठीक है, ये था रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम वापस अपनी बुक की तरफ चलते हैं और रीडिंग करते हैं। बुक के पेज नंबर 4 पे वापस आते हैं। यहाँ टॉप पे आप मेंशन करेंगे डे एंड डेट। मैं सिर्फ डे एंड डेट लिख रही हूँ, आपने प्रॉपरली डे और डेट मेंशन करना है। नर्व्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेड पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप भी साथ साथ अंडरलाइन कीजिएगा। ओके, नर्व्स वर्क लाइक टेलीफोन लाइंस। आपकी नर्व्स किस तरह काम करती हैं? जैसा कि टेलीफोन वायर्स, टेलीफोन की तारें काम करती हैं। दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ बॉडी टू अ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम द ब्रेन। ये जिस्म के हर हिस्से को एक सेंट्रल, एक मरकजी कंट्रोल करने वाले सिस्टम के साथ कनेक्ट करती हैं, और वो सिस्टम कौन सा है? आपका ब्रेन, आपका दिमाग। नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। नर्व्स किससे मिलके बनी हैं? नर्व सेल से मिलके बनी हैं, जो कि दो तरह के होते हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स की मैंने आपको बताया था कि नर्व्स की दो टाइप्स हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंसरी नर्व्स को। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नर्व्स आते हैं? देर आर टू काइंड्स। टू काइंड्स को अंडरलाइन कर लिया। कौन कौन सी? सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी नर्व्स। दिस कैरी सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज लेके जाते हैं आपके सेंसरी ऑर्गन्स की तरफ से, और यही वो नर्व्स होती हैं जो सिग्नल लेके जाती हैं ब्रेन को, और ब्रेन फिर बताता है कि आपकी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन्होंने क्या सेंस किया है। नोज़ को तो खुद नहीं पता किसने क्या स्मेल किया है, ये मैसेज ब्रेन की तरफ जाएगा, ब्रेन बताएगा कि आपने क्या स्मेल किया था। दीज इन टर्न, और ये बदले में बताती हैं सेंस ऑर्गन्स को, इन द सेंस ऑर्गन्स व्हाट दे हैव सीन, उन्होंने क्या देखा, हर्ड सुना, स्मेल्ड सूंघा, टेस्टेड चखा, और फेल्ट या फिर महसूस किया। नर्व्स फ्रॉम द हेड एंड नेक रीजन आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रेन किस नज़दीक होता है आपका नेक जो होती है, इसीलिए नेक और हेड रीजन, सर की और गर्दन की जो रीजन की वेन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो डायरेक्टली ब्रेन के साथ जुड़ी होती हैं। द नर्व्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के बाकी हिस्सों की जो नर्व्स होती हैं, आर कनेक्टेड टू ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वो स्पाइनल कॉर्ड की साइड्स पे जुड़ी होती हैं, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे।
स्पाइनल कॉर्ड इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन और इन टर्न फिर स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन के साथ जुड़ा होता है. मोटर नर्व सेंड सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स. अब बात हो रही है नर्व्स की दूसरी टाइप मोटर नर्व्स की, जो ब्रेन से मैसेज लेके या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ लेके जाती हैं. ग्लैंड्स को अंडरलाइन करें. ग्लैंड्स हमारी बॉडी के वो सेल्स होते हैं जो सिक्रीशन सिक्रेट करते हैं. दिस सिग्नल मेक द मसल मूव. मोटर नर्व्स जो मैसेज लेके आती हैं उनके नतीजे में हमारे मसल्स मूव करते हैं. द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, क्या चीज़ें मिल रही हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीन चीज़ें मिल रही हैं. फॉर्म अ वेरी एफिशिएंट. एफिशिएंट कहते हैं बहुत अच्छा, बेहतरीन, अच्छा काम करने वाला. कम्युनिकेशन नेटवर्क एक रابطے का निज़ाम बना देते हैं. दिस नेटवर्क इज़ नोन एज नर्वस सिस्टम. और ये जो नेटवर्क बनाते हैं, इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम. इट कंट्रोल्स ऑल एक्शंस एंड मूवमेंट. ये हमारे तमाम एक्शंस और मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. ठीक है, क्लास फाइव, यहाँ पे आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन है कि आपको पता है जिस तरह बॉडी के सारे सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, इसी तरह नर्व सेल्स को भी कॉन्टीन्यूसली ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है ताकि ये अपना काम अच्छी तरह से कर सकें. द नर्व सेल्स हैव टू बी सप्लाइड विद ब्लड एंड ऑक्सीजन. इन्हें ब्लड और ऑक्सीजन चाहिए इन ऑर्डर टू कीप वर्किंग एफिशेंटली, ताकि वे अपना काम अच्छी तरह से कर सकें. अदरवाइज दे मे डाई. अगर नहीं मिलेगा तो इन नर्व सेल्स जो होते हैं वो डेड हो सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है, ख़त्म हो सकते हैं. अनलाइक कट एंड स्क्रैप स्किन. अनलाइक मतलब इस तरह नहीं होता, जैसा कि आपकी स्किन के ऊपर, आपके जिल्द के ऊपर अगर कोई कट लग जाता है या चोट आ जाती है और ब्रोकन बोन्स, अगर हड्डी टूट जाती है, दैट मैन, तो ऐसे सेल जो आपके स्किन सेल्स हैं और आपके बोन सेल्स हैं, ये दोबारा से जुड़ जाते हैं, मेंड होते हैं, रिपेयर हो जाते हैं. द ब्रेन सेल्स कैन नॉट रिग्रो. लेकिन आपके ब्रेन की सेल्स दोबारा ग्रोथ नहीं करते और मेंटल सेल्स ना ही अपनी रिपेयरिंग करते हैं दोबारा, इफ़ दे आर डैमेज, खुदा न खास्ता अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया जाए तो. दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इफ़ दे डाई. और अगर ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाती है, आपका ब्रेन का कोई पार्ट डेड हो जाता है, तो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता. सो यू मस्ट टेक केयर एंड अवॉइड एनी हेड इंजरी. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके सर पे कोई भी चोट ना आए. अगर आपके सर पे कोई चोट आती है खुदा न खास्ता, या फिर आपके ब्रेन को कोई डैमेज होता है, तो वो डैमेज बहुत सीवियर हो सकता है, सीरियस इंजरी आ सकती है, क्योंकि ऐसा डैमेज, ऐसी चोट दोबारा रिपेयर नहीं हो सकती. आपके जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो रिपेयर और मेंड करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते. इफ़ वंस दे आर डेड, देन दे आर डेड. ओके, दे कांट बी रिप्लेस्ड. अब हम इसी पेज पे अपना कॉन्सेप्ट चेक है जो फिल करते हैं. होपफुली ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी और ईजीली आप इसका आंसर मुझसे पहले फिल कर लेंगे अपनी बुक के ऊपर. ये आपकी कॉन्सेप्ट चेक एक्टिविटी है. यूज़ द करेक्ट वर्ड टू कम्प्लीट दी सेंटेंसेस. आपने ये ब्लैंक फिल करनी है करेक्ट वर्ड यूज़ करते हुए. द नर्व्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स आर कॉल्ड डैश नर्व्स. वो कौन सी नर्व्स हैं जो ब्रेन से मैसेज लेके जाके आपके मसल्स और ग्लैंड्स को देती हैं? येस, दैट आर मोटर नर्व्स. यहाँ पर लिखेंगे मोटर नर्व्स, एम ओ टी ओ आर, मोटर. सेकेंड है द नर्व्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन आर कॉल्ड डैश नर्व्स. वो कौन सी नर्व्स हैं जो सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके जाके ब्रेन को दे रही हैं? दीज आर सेंसरी नर्व्स, एस ई एन एस ओ आर वाई, सेंसरी नर्व्स. ओके, अब हम चलते हैं पेज नंबर 5 पे और यहाँ रीड करते हैं अपना नेक्स्ट पैसेज, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बताया क्या है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स. तो कैसे होता है ये, कैसे प्रोसीड करता है, इसको रीड करेंगे और आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं. व्हेन यू स्टेप ऑन अ पिन, अगर आपका पाँव किसी पिन के ऊपर आ जाता है, योर फुट ऑटोमेटिकली पुल्स अवे, तो आप
खुद ब खुद अपना पाँव पीछे खींच लेते हैं। किसी से पूछने तो नहीं जाते कि मैं पाँव हटा लूँ या ना हटा लूँ, फ़ौरन से आप अपना पाँव पीछे हटाते हैं जैसे ही आपको कोई चीज़ चुभती है। सच एक्शंस, ऐसे काम वेयर यू डू नॉट स्टॉप टू थिंक, ऐसे काम जहाँ पे आप सोचने के लिए रुकते नहीं हैं, आर नॉन एज रिफ्लेक्स एक्शन, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। दीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, और इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, द नर्व एंडिंग्स इन द सोल ऑफ योर फीट। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या, जो आपके पाँव के सोल में यानी कि आपके पाँव के तलवे में जो नर्व सेंसरी नर्व एंडिंग्स थी उन्होंने मैसेज लिया और फौरन से जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड को दिया। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ था, आपकी नेक से थोड़ा सा ऊपर लोकेटेड था। सेंसरी नर्व से मैसेज लेके जाके स्पाइनल कॉर्ड को दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने बताया कि पाँव पीछे खींचते हैं, और यहाँ से मोटर नर्व्स मैसेज लेके आई लेग मसल्स की तरफ। ये आप देख सकते हैं लेग मसल्स हैं, लेग मसल्स की तरफ मैसेज लेके आए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, सुकड़ना है और पाँव पीछे खींच लेना है, तो आपका पाँव पीछे हो गया। द मैसेज रीचेज द स्पाइनल कॉर्ड, मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचा। इट इंस्ट्रक्ट्स द मसल ऑफ द फुट, इसने जो पाँव के मसल थे यहाँ पे उन्हें समझाया, इंस्ट्रक्शन दी, हदायत दी थ्रू द मोटर नर्व्स, किसके थ्रू मैसेज आया, मोटर नर्व्स के थ्रू, टू मूव अवे, कि अपना पाँव पीछे कर लें। ऑल दिस इज़ डन इन लेस देन अ सेकेंड, और ये सारा काम एक सेकेंड से कम टाइम के अंदर हो गया। ये किसकी आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है, रिफ्लेक्स एक्शन की। पाँव में कांटा चुभना या पिन का चुभना ये सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जाम्पल नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन आप और भी डिस्कस करें, सोचें कौन से हो सकते हैं। जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं फ़ौरन से पीछे कर लेते हैं, अगर कोई चीज़ आपको चुभ रही है आप फ़ौरन से अपना हाथ पीछे हटाएंगे, पाँव पीछे हटाएंगे। अगर आपको लगता है, अगर आपका हाथ दरवाजे में आ रहा है तो आपको जैसे ही पेन फील होगी आप फ़ौरन से अपना हाथ पीछे की तरफ हटाएंगे। अगर किसी को करंट लगता है तो वो भी फ़ौरन से अपना हाथ पीछे की तरफ हटाने की कोशिश करता है। मतलब ये हुआ कि जहाँ भी आपको डेंजर फील होगा फ़ौरन से जो आपने रिस्पॉन्ड करना है, आपकी बॉडी ने जो रिस्पॉन्ड करना है वो कहाँ, किसकी एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्स एक्शन की। अब हम सॉल्व करते हैं अपना एक और कॉन्सेप्ट चेक जो पेज नंबर 5 पे है। इसके लिए हमारे पास तो क्लूज भी गिवन है, ये बेस कर रहा है आपके प्रीवियस नॉलेज पे। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, आपने ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन सी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। द सेरिब्रम कंट्रोल्स, सेरिब्रम हमारी बॉडी के कौन से कामों को कंट्रोल करता है। एज वी नो दैट सेरिब्रम कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे थिंकिंग, थिंकिंग सोचना, रीजनिंग वजह तलाश करना, एंड द थर्ड वन इज रीडिंग और पढ़ना। सेकंड आपकी ब्लैंक है द सेरिब्रम कंट्रोल्स डैश एंड डैश, सेरिब्रम हमारी बॉडी का कौन सा काम कंट्रोल करता है, बैलेंस एंड मूवमेंट। सेरिब्रम कंट्रोल करता है बैलेंस एंड मूवमेंट, आप ये अपनी बुक के ऊपर फिल करेंगे। थर्ड है हमारे पास द मेडुला कंट्रोल्स डैश डैश एंड डैश, मेडुला हमारे सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, तो वो कौन कौन से होंगे, हार्ट बीट दिल का धड़कना, ब्रीथिंग सांस लेना, एंड मेमोरी और आपकी याददाश्त। ये था हमारा आज का बुक वर्क, हमने रीड किया है नर्व्स और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। समराइज करते चलूँ कि नर्व्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाती हैं सेंसरी नर्व्स, और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज बॉडी पार्ट्स की तरफ या मसल्स की तरफ लेके आती हैं मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज मसल्स की तरफ
लेके आती हैं कि आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी का जो ऑटोमेटिक और फौरन रिस्पॉन्स होता है, एडवांस जो रिस्पॉन्ड किया जाता है, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और इसको कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब हम चलते हैं अपने कॉपी वर्क की तरफ, जहां हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हरी अप, ओपन योर नीट कॉपीज एंड राइट डाउन योर क्वेश्चन आंसर्स। कॉपी ओपन करेंगे, सबसे पहले मार्जिन लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, फिर डे और डेट मेंशन करना है, क्लास वर्क मेंशन करना है, और आपने लिखना है अपना यहाँ पे यूनिट नंबर 1 पेजेस 2 to 7 द ब्रेन एंड नर्व्स। ये आपने ब्लैक से लिखना है, ब्लैक से आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, आज हम अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व्स इन द बॉडी, जिस्म के अंदर पाए जाने वाली रगों की अकसाम बताएं। तो कौन कौन सी थी हमने आज ही पढ़ी हैं। देर आर टू काइंड्स ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स की टू टाइप्स हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 मोटर नर्व्स, नंबर 2 सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंसरी नर्व्स? सेंसरी नर्व्स का काम क्या होता है? आप ईजीली लिखने के लिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं। सेंसरी नर्व्स कैरी, सेंसरी नर्व्स लेके जाती हैं सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन से जो सिग्नल्स होते हैं उनको ब्रेन की तरफ, टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। रिपीट कर देती हूँ मैं, सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन, और नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम बता रहे हैं, आंसर लिखेंगे आप ब्लू पेन से। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक खुदकार काम है, खुद ब खुद हो जाने वाला काम है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, और रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। ओके क्लास 5, ये था आपका आज का काम। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट इन अ बेटर वे। नाउ इट्स टाइम टू नोट डाउन योर डायरी, एंड योर डायरी इज डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 4 and 5 प्लस लर्न क्लास वर्क। आज जो हमने क्लास वर्क के अंदर कॉन्सेप्ट चेक एक्सरसाइज की है और ये जो क्वेश्चन आंसर्स किए हैं कॉपी के ऊपर, इसे आपने अच्छी तरह से याद करना है और रीडिंग को एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। ओके क्लास 5, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।